कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 3 दिवसीय अमेरिका यात्रा पर हैं। इस दौरान रविवार को राहुल गांधी टेक्सास के डलास पहुंचे, जहां उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के छात्रों से भारत की राजनीति, अर्थव्यवस्था और भारत जोड़ो यात्रा पर चर्चा की। बेरोजगारी को लेकर राहुल गांधी के दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर हमला बोला। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी सत्ता के लालच में किस हद तक जा सकते हैं, ये बार बार परिलक्षित हुआ है। दुनिया में भारत को बदनाम करना कांग्रेस की नीति रही है, ये उसी का प्रदर्शन कर रहे हैं। 10 सालों में देश ने जो तरक्की की है वो राहुल गांधी से देखा नहीं जाता, क्योंकि इनका विकास से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी सत्ता के लालच में और सत्ता के लिए किस हद तक जा सकते हैं, ये बार बार परिलक्षित हुआ है। दुनिया में भारत को बदनाम करना ये कांग्रेस की नीति रही है और उसी का वो प्रदर्शन कर रहे हैं। वास्तव में पिछले 10 सालों में देश ने जो तरक्की की है हर क्षेत्र में, वो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को देखा नहीं जाता है, क्योंकि इन्हें विकास से, तरक्की से कोई लेना देना नहीं है। संविधान पर हमला करने का इतिहास किस पार्टी का है, किस पार्टी के नेताओं का है, ये देश बखूबी जानती है। बार बार देश के संविधान पर जो हमला और आक्रमण हुआ है, ये कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है। वास्तविकता ये है कि आज प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संविधान का जितना आदर और सम्मान हुआ है, ये पहले कभी नहीं हुआ। देखिए, मैंने आपसे स्पष्ट कहा है कि हमारी सरकार प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को आतंकवाद, अलगाववाद और नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए ठोस और मजबूत योजना बनाकर काम कर रही है और इस दिशा में सरकार निर्णय लेकर आगे बढ़ रही है।